ठीक भाई, तीनों भाई वोट तो थे करी थे, करी थे शेर थे आप तो करी के दिए जब शेर के था और जिंदाबाद नवाज शरीफ का शेर थे करी थे हम लाती है बगैर पूछे तो देखा जी पतले पासे सैफुल उमरी के बावजूद जनाब कब निकले ने ते आज मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे जो जो ना आ गया मेन रोड से पिंड गोंदला वाला तने अपना अपना ठेका लाया ये पोलिंग बूथ है जनाब ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल ये सी जनाब अपनी मौज लगी है इवेंट होने जा रहा लाजमी कवरेज होनी चाहिए को थोड़े बहुत पोलिंग स्टेशन की हो रहा की गहमा गहमी है गहमा गहमी तो जनाब इंजी जिम्मे किसी ने कहा ना कि कम हो नूर मुहम्मद ना हो नूरा वेखो पिछे चांद गाड़ियां भी खलोतियां ने जनाब अगे भी सड़क से भी बाकी पोलिंग स्टेशन भी तुम विखावे पूरी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा आवाम नूं भी वोट पाउण वास्ते बाकी वेखो अगे चल के तुम विखाने पोलिंग स्टेशन भी तो तकदीर के फैसले की जी मैं गल पिया करना वो की होना है सवेर तो एक नवा कट्टा खुलना रात में जो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने ने कि जी उत्थे धांधली हो गई फलाना पोलिंग बूथ खोलो फलाना जनाब वो अपना पोलिंग स्टेशन से टाइम नहीं पूरा मिलिया ये तो मत सोचो कि हम मुल्क को पांच साल पूरा जरा ना हुकूमत कर जाए ये पांच साल नहीं होने ये एहतजाज ही होने अगे तो नवे तो नवे एहतजाज तो नवे तो नवे काम तो बहरहाल चलो असं भी देने चल के नाल बच्चों सैर कराने तो विखाने की गहमा गहमी है तो अगे चल के तुम भी साढ़े नाल जुड़े रहे जो तुम दिखाने पोलिंग स्टेशन से की कुछ हो रहा है लो जी आ गहमा गहमी देखो तुम साढ़े इतने इश्तहार आ बैनर आ बाजार फुल टाइम जनाब सजे पे ने इतने साढ़े नून लीग के खलोते ने जनाब नवाज शरीफ अली दे बिलाल फरूक तारड़ इमरान खान की तरफों घड़ियाल निशान है मियां तारक साहब की घर वाली राशदा तारक पहले ही एक पोलिंग स्टेशन करीब आ गया इतने जाके थोड़ा जहा तुहानू विखाने की माहौल है आवाम तो वाह वाह कट्ठी हुई है लाला लाला पई है इतने भी जनाब वाह जी वाह वेखो जनाब परचियां परचियां बन रही ने धड़ा धड़ हर बंदे ने अपना अपना ठैया लाया ये पोलिंग बूथ है जनाब ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल ये उत्थे पोलिंग बूथ बने हैं तो ये जनाब ये सूरत हाल है लो जी ये जनाब आ गया साढ़ा पोलिंग बूथ कुड़िया का स्कूल गर्ल्स एलीमेंट्री स्कूल ठीक है जी ये वो बखाव हुई उधर ये असी जनाब संगना वाला खूह का पोलिंग स्टेशन ठीक है जी इतने जी गहमा गहमी होंगी रही है थोड़े सामने में जनाब ठीक है जी तो बाकी भी थोड़ा अगे और जो पोलिंग बूथ भी बहाने इधर दूसरी तरफ जनाब सारे अपने अपने स्टाल ला के तो पर्चियां पुर्चियां बना के सारे देंगे ने पे बाकी अगे चलने तो होर बहाने जनाब पोलिंग बूथ के लो जी वेखो थोड़े सामने जिहड़ियां ने इंतखाबी फरिश्ता ला के साथी बैठे ने ते ऑनलाइन भी चेक कर रहे ने ते मैनुअल भी इन्हां दे कोल पईआं ने ते शुएब बराए साहब ने जिहड़े इत्थे नुमाइंदगी करन दे ने अपना नवाज शरीफ दी जी बिलाल फरूक तारड़ साहब ते मियां महमूद बशीर विरक साहब जी बराए साहब जरा थोड़ा जिहा दसो है की अमल हो रहा है सर असीं लोकां दी सहूलत वास्ते बैठे हाँ लोकां नूं वोटर लिस्ट तो वेख के ते ऑनलाइन चेक करके उन्होंने उन्होंने दी पोलिंग स्टेशन का तो उन्होंने जिथे उन्होंने जाके वोट कास्ट करना है वास्ते असं उन्होंने हेल्प आउट करते हैं फिर वो कोई भी बंदा आ जाए किसी भी जमात का आ जाए असं इक्वली मैनेज कर बड़ी अच्छी गल है जी इस तरह ही होना चाहिए बाकी आप बुजुर्ग भी वेखो अज मुल्क की तकदीर का फैसला हो रहे हैं
बुजुर्गो उधर वेख्या जी उधरले पासे ज़ैफ़ुल उमरी के बावजूद जनाब घरों निकले ने अज मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे। जी दूसरी पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं भी साथी इतने बैठे ने जेडे जमाल नासर चीमा साहब के जेडे वोटर ने उन्होंने स्लिप वगैरह बना के दे रहे हैं पूरी कहमा कह मिली। तीसरा एक होर स्टाल लगा जरा जमात इस्लामी का भाव हो जनाब जमात इस्लामी का स्टाल लगा इतने भी उस तरह सारी आवाम को सहूलत दी जा रही है इन्होंने फहरिस्तों के मुताबिक स्लिप बना के ताकि अंदर जाके टाइम बच जाए। ये जनाब इतने बैठे ने हमजा चीना साहब जी हमजा साहब अगे जिम्मे नून लीग के काउंटर से कह रहे हैं नहीं बिला तफरीक हर एक जो बंद आए उन्होंने स्लिप बना के देने इतने भी तुम भी इस तरह नहीं बिला तफरीक स्लिप मिल रही और बिला तफरीक सवारी मिल रही है जान वास्ते क्या बात है जबरदस्त कोई भी अगर आता है वोटर उन्होंने नहीं जा सकता दूर दूर बने ने सेंटर सारे उन्होंने सारे सवारी भी मिल रही है। बिल्कुल सही है देखो जी होना भी इसी तरह चीज है इतफाक रहना सवारी मिल बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये जनाब TLP तरीके लबैक पाकिस्तान वाले का स्टाल है इतने भी इस तरह ही स्लिप वगैरह बना के सारे आवाम को सहूलत दी जा रही है भी साथी सारे इतने जोशो खरोश के नाल लगे हैं ठीक है। बाकी दूसरे पोलिंग स्टेशन से चल रहे हैं तो उत्थे भी जाके तुहानू हने इतों की गहमा गहमी तुहानू सारी नज़र आ रही होगी। पोलिंग बूथ वो पिछे करके ये जो तुहानू पिपल नज़र आ रहा है संगलों वाले खूह है ये संगलों वाला खूह हुंदा सी किसी दौर दे विच। तो यह तीसरा पोलिंग स्टेशन है गौरमेंट हाई स्कूल गोंदलों वाला का इतने भी सब तो ज़्यादा गहमा गहमी उन्होंने दो तो ज़्यादा इतने नज़र आ रही है सारे अपने अपनी पार्टियां की जनाब इतने क्यादत करते हैं पे तो बाकी जी गहमा गहमी होकर तुहानू दिखाने दूसरी तरफ भी चल के ये वेख सकते हो जनाब तुसी गहमा गहमी हर तरफ फड़ लो ये सारे अपने अपनी जड़ी है पार्टी की नुमाइंदगी करते हो स्लिपां बना रहे ने कोई डेरे लगे ने ते पार्टी की आदत भी जड़ी है भी गाहे बगाहे विजिट करती है भाई आवाम की हलचल वेख लो तुसी नून लीग NN77 PP69 ये जनाब हल्का साडा इतने जरा PP59 है NN77 यदा तीसरा पोलिंग स्टेशन से जरा अभी तुम मनाजर बहान रहे हैं गहमा गहमी चली है बाकी लोबी वाले लोबिया बेचन डे ने कटियाई घोल घोल गए अब हा भैया भी कल्चर पा दो इधर बच्चों की अपनी मौज लगी है वहाँ है इधर जनाब गोलगप्पे का स्टाल इधर बच्चों की अपनी मौज लगी है वहाँ है इधर जनाब गोलगप्पे का स्टाल एको अगे भाई जनाब दाल सेवियां खड़पुरे हर शह उन्हें भी लाई और बेचारे की बिकती है पी सारी पार्टियां अपने अपने जो वोटर ने उन्होंने फैसिलिटेट भी कर दें पिक एंड ड्राफ्ट की सहूलत भी देनी ने पी बाकी एक होर पोलिंग स्टेशन है वह भी चल के तुम विखाने वेखो जनाब वोटर घरों लियान का सिलसिला जारी है तो सरकारी गड्डियां भी घूमदिया फिर ने पी अमन अमान की सूरत हाल कायम रहे बाकी पिंड का नज़ारा थोड़े सामने ही है ये वेखो हालात हम बदलते ने की होंगे की नहीं। लो जी है हम असं जा रहे हैं चौथा तो आखिरी जोड़ा पोलिंग स्टेशन वो थानू वहान ये सारा पिंडों बिल्कुल एक साइड से बने हैं तो इतने भी आने वास्ते पैदल तो आना इतने बड़ा औखा ही काम है लेकिन सारे जड़े उम्मीदवार ने उन्होंने जो नुमाइंदगान ने इतने उन्होंने पूरी सहूलत दी है पिक एंड ड्राफ्ट की कुछ लोग जनाब अपना वोट पाने भा भी वोट पा के आने पाए वोट है सही पाए कि नहीं ठीक पाया किन पाए वोट घड़ी दे घड़ी दे शेर दे घड़ी के दिए तो शेर के दा
और जिंदाबाद नवाज शरीफ का शेर है तो घड़ी तो एवं लाती है बगैर पूछे किसी को। बिल्कुल सही है। लो जी आ भाई एक वोट पा के आया, पता पुता उन्होंने कौन कि घड़ी कह दी है तो शेर का उन्होंने पता है नवाज शरीफ का। इतने भी स्टाल लगे न जनाब अगे चल के इतने किन्नी की गहमा गहमी है की सूरत हाल ने स्टेशन है साडा तुम जरा मेरे पिछे वेख सकते हो तो इतने इन्नी गहमा गहमी कोई नहीं तो बरका फाओ तो लाइन लगी ने सामने तो वोट पेंदे ने भैया मुंडा साडा जी पर्ची बनवा के आया इंज दी है पर्ची बना के देंदे ने उत्ते सिलसिला नंबर ते नाम जोजियत ते थले घराना नंबर ते शुमारियाती ब्लाक कोड ते पर्ची इन्हें भी बनवा ली है तो उन्हें भी लाने लगना तो उत्थे वोट शोट पाने ने पिछे मंजर तो ही लाना लगी ने ते सरकारी अहलकार भी मौजूद ने। यह साडा आखिरी पोलिंग स्टेशन सी। लो जनाब है असी साडा अज दा एक छोटा जिहा ब्लाक तो जिस तरह मैं दस्या ही कि दिल तो कोई नहीं सी कि सियासी कोई ब्लाक बनाइए लेकिन चलो अज एक एक्टिविटी सी ते मुल्क दा जनाब आइंदा वजीर आजम मुंतखब होना ते ओदे वास्ते जनाब अपना अज इलेक्शन होण दे ने साडे इत्थे चुनाव दा सिलसिला जारी है। यह तुहानू विखाया कि किस तरह इत्थे पोलिंग बूथ ते पोलिंग स्टेशन चंगा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिया जी ते इंशाल्लाह रवायात के मुताबिक जिवें असीं अगे ब्लाग बनाने उंजी बनांदे रहांगे ते तुहाडे पेश खिदमत करदे रहांगे। अस्सलाम वालेकुम। लो जी हुण आ गए मेन रोड ते पिंड गोंदलां वाला